आज यहाँ का मौसम कुछ ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है, इसलिए मुझे वीडियो करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो आज का जो टॉपिक है वो मेरे एक प्लांट जिसका नाम है पीस लिली, उसके बारे में है। तो आज मैं आप सबको उसी का ट्रिक्स और यू कैन से केयर और कुछ पीस लिली के बारे में बताना चाहती हूँ। अगर आपको ये हेल्पफुल लगे तो आप ज़रूर इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये बहुत ब्यूटीफुल प्लांट है, चलो आपको मैं दिखाती हूँ वो प्लांट। गाइस गुड मॉर्निंग, कल बारिश होने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाई और कल का जो टॉपिक था पीस लिली के बारे में, तो ये तो पीस लिली की प्लांट नहीं है, ये मेरे एक इंडोर प्लांट है, बहुत खूबसूरत है। आप देखिए इसके पत्ते कितने ग्रीन हैं। और चलो मैं आपको पीस लिली के प्लांट दिखाता हूँ, वो ये रहे। तो ये रहे वो प्लांट, आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये एक इंडोर प्लांट है, इसके पत्ते देखिए आप, बहुत शाइनी है। और ये वाइट कलर का जो है ना, ये देखिए, ये इनके फ्लावर होते हैं। ये भी एक फ्लावर था लेकिन ये जब मैं नर्सरी से लाई थी ना, ये पहले से ऐसा ग्रीन ग्रीन था और अभी जो है वाइट कलर का ये नया हुआ है। और ये ना एक दो दिन में ख़राब नहीं होता, ये फ्लावर बहुत दिनों तक रहता है। ये ऑलमोस्ट मेरे पास 1.5 मंथ हो गए ऐसे ही है। जब ये ख़राब हो जाएगा ये पूरा ही चीज़ टूट के नीचे गिर जाएगा, उसके बाद नया हो जाएगा। और ये देखिए इसके नीचे जो है ना, ये कोई सॉइल नहीं है, ये पत्थर है। मैंने रखा था क्योंकि ये एक इंडोर प्लांट है ना, तो घर पे रहते हैं तो ये पत्थर देने से ये खूबसूरत लगते हैं ज़्यादा। ये वाइट कलर का एक टब में इसे पत्थर देके, इसके नीचे सॉइल है, इसके नीचे सॉइल है, मिट्टी है। तो इसके ऊपर मैंने जस्ट बिकॉज सॉइल देखने में ज़्यादा ठीक नहीं लगता, गंदा लगता है, तो इसमें इसके ऊपर मैंने पत्थर लग दिया। तो अगर आप भी ऐसे रखें तो ये बहुत अच्छे लगते हैं दिखने में, अभी ऐसे रखें। और इस ये प्लांट घर पे रखने के लिए आपको जो जो चीज़ ध्यान में रखना, इसके बारे में कुछ चीज़ें आप जान ले तो बहुत ईजी होता है इसे रखना घर पर। स्टेप 1 में है कि इसे पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, आप इसे अगर पानी दें तो वीक में एक बार दीजिए या वीक में 2 बार दीजिए। गर्मी के टाइम पे आप 2 बार दे सकते हैं, नहीं तो एक ही बार दीजिए। नहीं तो एक काम कर सकते हैं आप पहले नीचे सॉइल को चेक करें, अगर ये हार्डी हो तो आप पानी दें, नहीं तो छोड़ दें। और एक कर सकते कि ये जो पत्ते हैं ना, ये पत्ते अगर नीचे आ जाए ऐसे करके नीचे आ जाए तो आप उस टाइम पर वाटरिंग कर सकते हैं। तब ये क्या होता है, ये ज़्यादा पानी नहीं मांगता ये प्लांट, तो इसे ऐसे पानी देंगे तो ये ठीक रहेंगे। और ज़्यादा पानी देंगे तो इसके रूट जो होते हैं ना वो जल जाते हैं और ये प्लांट डेड हो जाता है। इसे ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं है। और स्टेप 2 में जो है, इसके ज़्यादा धूप जो होते हैं ना, ये रोशनी भी ज़्यादा पसंद नहीं करते, इसे धूप भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। तो इस जस्ट बिकॉज ये इंडोर प्लांट है, इसे ऐसे जगह पर रखें जहाँ पर ज़्यादा रोशनी या धूप नहीं आता हो और थोड़ा डार्क एरिया में रखें, तो इसका जो ऐसे ग्रीन पत्ते होते हैं ना ऐसे ही रहते हैं। नहीं तो ये जो पत्ते होते हैं और ये जो रूट्स होते हैं और ये फ्लावर होता है ये जल जाता है और ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं ये डेड हो जाएगा। तो इसे आप ध्यान दें कि धूप में ना रखें और पानी का। और इसका सॉइल जो है ना, उसे वेल ड्रेन सॉइल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, पानी नीचे ऐड नहीं होना चाहिए। अगर पानी ऐड हो गया तो उसका रूट्स ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाएंगे, तो पानी ऐड नहीं होना चाहिए। और है कि अगर आपको इसे रीपॉटिंग करना है ना, अगर ये छोटा पड़ रहा है ये पॉट इसके लिए, तो क्या करें, आपको कैसे पता चलेगा, ये जो पत्ते होते हैं ना ये येल्लो पड़ जाएंगे क्योंकि इसके रूट ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो इसके पत्ते जो होते हैं ये येल्लो पड़ जाएंगे। अगर ये येल्लो पड़ना लग जाए और अब देख रहे ये पत्ते थोड़ा ख़राब हो जाए पानी देने के बाद भी, सब कुछ मेंटेन करने के बाद, तो आप सोच लेना कि इसके नीचे जो है ना रूट ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो इसके रीपॉटिंग की ज़रूरत है। तो इससे बड़ा पॉटो इसे वहाँ पर
डाल दे, इसे डीपॉट कर दे, और जो है इस अगर ये येल्लो फिर भी येल्लो हो जाए पत्ते, तो इसका मतलब है आप जो खाद दे रहे हैं ना, और खाद की मैं जो बात करूँ, खाद आप साल में दो बार दे सकते हैं। और आप ये ध्यान दें, खाद अगर ज़्यादा हो गया तो ये होता है कि येल्लो हो जाता है पत्ते। ठीक से आप ऐसा मेंटेन करेंगे ना, ये प्लांट बहुत खूबसूरत लगते हैं, और घर के अंदर ग्रीनरी फैलने के लिए ये बहुत अच्छे प्लांट होते हैं। सो आप ज़रूर नर्सरी से लाएं, ये बहुत अच्छे लगते हैं दिखने में। और मेरे पास और दो हैं पीसली के प्लांट, चलो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है वही मेरे नया पीसली के प्लांट जिसे मैंने नर्सरी से बस 1 वीक पहले लाई थी। तो इसके पत्ते देखिए, मैं दिखाता हूँ, वेट, ये येल्लो हो गया, देख रहे हैं आप ये, और ये देखिए इसका पत्ते ख़राब हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका रूट देखिए, उसके रूट बहुत जल्दी जल्दी बढ़ने लग जाते हैं, तो इसका रीपॉटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसका ऐसे हार्ड तो नहीं है, पानी ठीक, इसका ठीक है, सब ठीक है, बस यही है कि इसका रीपॉटिंग की ज़रूरत है। मैं जल्दी जल्दी इसे रीपॉट कर दूँगी, इसके बाद शायद ये ठीक हो जाए। हाँ, क्योंकि ये जो है ना पत्ते, देखिए आप, ये ख़राब हो चुके हैं, ये येल्लो हो गए हैं, तो इसे आप ध्यान दें कि ऐसा हो जाए तो रीपॉट कर दे। और ये जो पॉट है ना, इसके लिए बहुत छोटा है, तो इसे रीपॉट की ज़रूरत है। दोनों ही छोटे हैं, तो इसे अभी जस्ट बिकॉज ये छोटे हैं इसलिए इसमें फ्लावर नहीं आएंगे। ये वैसे ये जो प्लांट है ना, इसमें थोड़ा फ्लावर बहुत कम आते हैं, ज़्यादा नहीं आते, एक या दो आपको दिखने में मिलेंगे, लेकिन एक ही दो बहुत खूबसूरत लगते हैं दिखने में। तो आप क्या करें, इसे रीपॉट कर दे, ऐसा हो तो आपके, अगर आपके पास ऐसा ही हो तो इसका, अगर ऐसे येल्लो हो जाए या कुछ प्रॉब्लम हो ना, इसे रीपॉट कर दे। देखिए आप इसके रूट्स कितने डेवलप हो गए हैं, ये बहुत कम जगह हो गए इसके लिए, इसलिए इसे रीपॉट की ज़रूरत है। बस यही आपको मेंटेन करना पड़ेगा आपके पीस लिली के लिए, और अगर आप ये सब मेंटेन करें तो ये आपके घर के लिए, इंडोर प्लांट के लिए बहुत खूबसूरत रहते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं। और आप ज़रूर लाएं ये पीस लिली के प्लांट, मुझे तो बहुत पसंद है, आई होप आपको भी पसंद आए। और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।